नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों देखिए, हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक स्पेशल टॉपिक, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा ये। हम पढ़ने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहर। कौन कौन से शहर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए, मुख्यतः यह मध्य प्रदेश के जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये हमारा। आइए इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों, मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक, चले अब देखो, मध्य प्रदेश चूंकि आपको पता है, हमने पुराने कुछ लेक्चरों में आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, इस वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। समझ में आया? अब देखो, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी भाई? नर्मदा नदी। तो आइए दोस्तों, हम नर्मदा नदी के बारे में ही पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से विशेष शहर बसे हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब चूंकि आपको यह पता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, तो आपको ये 15 जिले तो याद रखने ही हैं, साथ ही में अन्य कोई और जिले होंगे तो मैं आज आपको वह बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है दोस्तों कि जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम अमरकंटक से होता है, अमरकंटक अनूपपुर से। तो पहला शहर आपका अमरकंटक ही आ जाएगा। क्वेश्चन आ गया भाई, अमरकंटक किस नदी के किनारे है? आप बताओगे नर्मदा नदी के किनारे। उसके पश्चात आपको जबलपुर याद रखना है, नरसिंहपुर याद रखना है। चीजें समझ में आएगी? ठीक है, अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, उसके बाद होशंगाबाद। यहां पर एक चीज और याद रखना आपको, बुधनी, बुधनी। ठीक है, होशंगाबाद याद रखोगे, बुधनी महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात निमाड़ है ना, आपके खंडवा में, खंडवा, आपने खंडवा खरगोन दो सुनहरे जिले हैं मध्य प्रदेश के। आपको पता है कि जो खंडवा है इसे पूर्वी निमाड़ और जो खरगोन है इसे पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। तो निमाड़ याद रखना किस नदी के किनारे हो जाएगा भाई, नर्मदा नदी के किनारे। इसके पश्चात ओमकारेश्वर खंडवा में है, यहीं पर पुनासा डैम है। ठीक, हांडिया, पुनासा, नेमावर, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए, हमने निमाड़ पढ़ा, ओमकारेश्वर, पुनासा, हांडिया, नेमावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़वाह, क्वेश्चन सीधे आ जाएगा भाई, बड़वाह किस नदी के किनारे है? आप बताओगे नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, महेश्वर खरगोन में मिलेगा आपको, मंडलेश्वर यह भी खरगोन में है। ठीक है, इसके पश्चात बड़वानी तो एक जिला है, आपको पता है बड़वानी नर्मदा नदी के किनारे। इसके पश्चात धार और झाबुआ, धार और झाबुआ, यह सभी मध्य प्रदेश के जो शहर है किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, आप बताओगे नर्मदा नदी के किनारे। एक बार पुनः देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों हमने अमरकंटक पढ़ा, याद ही होगा आपको, जबलपुर याद है आप लोगों को, ठीक है, नरसिंहपुर याद है, होशंगाबाद याद है, बुधनी बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुधनी शहर किस नदी के किनारे है, आप बताओगे नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पर एक प्रसिद्ध घाट भी है जिसे सेटानी घाट कहा जाता है। सेटानी घाट कहाँ है? बुधनी में। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे। और यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट का नाम क्या है? तो सेटानी घाट ही सबसे बड़ा है। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, सेटानी घाट। ठीक है, चले, तो बुधनी याद रहेगा आपको। इसके पश्चात निमाड़, निमाड़ के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, ओमकारेश्वर बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर इस पर डैम भी बना हुआ है, पुनासा, पुनासा डैम कहते हैं इसको, हांडिया याद रखना है, हांडिया, नेमावर, बड़वा, महेश्वर, मंडलेश्वर और बड़वानी। ठीक है, इसके पश्चात धार और झाबुआ, यह शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। चले, तो नर्मदा नदी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी होगी, ताप्ती नदी के बारे में अध्ययन करते भाई, कि ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, चले चर्चा करते हैं। देखो, ताप्ती नदी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था, ताप्ती नदी जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, इसका उद्गम मुल्ताई से होता है, और मुल्ताई कहाँ है? तो बैतूल जिले में है। तो कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि भाई मुल्ताई किस नदी के किनारे, आपका आंसर आएगा ताप्ती नदी के किनारे। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, जब उद्गम ही वहीं से होती है ताप्ती नदी का, तो आप बता पाओगे कि मुल्ताई किस शहर, किस नदी के किनारे, आप बताओगे
ताप्ती नदी किनारे। अब चूंकि जो मुल्ताई है बैतूल शहर के अंतर्गत आता है, बैतूल की एक तहसील है, इसलिए कई बार मुल्ताई ना ऑप्शन में आकर बैतूल आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि बैतूल भी किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे है। चीजें समझ में आई। इसके पश्चात बुरहानपुर, बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, तो भी आप क्या बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। देखो दोस्तों, बुरहानपुर में एक बहुत फेमस शहर है जिसे कहा जाता है नेपानगर। अब फेमस क्यों है, इसको शायद मैंने अपने पिछले लेक्चरों में बताया था, नाम क्या है, नेपानगर, नेपानगर। अब आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश में दो ही ऐसे जगह है जहां पर मुख्यतः अखबारी कागज बनाने का कारखाना है। अब नेपानगर इसलिए प्रसिद्ध होता है क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थापित प्रथम अखबारी कागज बनाने का कारखाना नेपानगर में है। चीजें समझ में आई। और यहां से मैंने आपको लिंक करके यह भी बताया था कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत ग्रह चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, वह इसलिए बना था क्योंकि अखबारी पेपर मिल जो नेपानगर में, उसे बिजली प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा कहां होता है, तो अमलाई, मैंने आपको बताया था शहडोल में है। तो बुरहानपुर अगर ऑप्शन में ना आए तो आपको ऑप्शन में नेपानगर मिलेगा। तो दो चीज याद रखना है भाई कि मुल्ताई और बैतूल किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। दोनों साथ में ऑप्शन में कभी भी नहीं आता। ठीक, नेपानगर आ जाएगा या फिर बुरहानपुर आ जाएगा, यहां से भी किस नदी के किनारे, आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। और एक विशेष बात यह याद रखना है कि जो ताप्ती नदी है दोस्तों, देखो आपको यह पता है ना कि यह तीन राज्यों से प्रवाहित होती है, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो जब यह गुजरात में जाती है तो गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर सूरत, सूरत, सूरत भी किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, मैंने ताप्ती नदी से बताया था भाई, यहाँ पर ताप्ती नदी में जो दो परियोजना बनाई गई है कहाँ पर, गुजरात में काकरा पारा और उकाई परियोजना, याद है ना आपको, पिछले लेक्चरों में बताया था मैंने। तो ताप्ती नदी के किनारे बसे शहरों का अभी हमने अध्ययन किया, नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों का अध्ययन किया। अगली नदी हम पढ़ते हैं दोस्तों चंबल नदी। अगली कौन सी नदी पढ़ने वाले, चंबल नदी, कि चंबल नदी के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये आपको पता है ना कि चंबल नदी कहां से निकलती है, कहां से निकलती है भाई, उज्जैन, महू से। ठीक है, जाना पावा की पहाड़ी याद आया आप लोगों को। चले, तो सबसे पहले तो अगर महू से इसका उद्गम हो रहा है चंबल नदी का, और सीधे क्वेश्चन यह आ जाए कि जो महू है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप क्या बताओगे, चंबल नदी। भाई उद्गम वहां से होता है तो किस नदी के किनारे होगा, महू, चंबल नदी। इसके पश्चात यह नदी आगे जाती है और रतलाम, क्वेश्चन आ गया रतलाम किस नदी के किनारे है, आप बताओगे चंबल नदी के किनारे। अब बहुत विशेष बात याद रखना, चूंकि मंदसौर से नर्मदा नदी जाती है, नर्मदा नहीं चंबल नदी जाती है, लेकिन मंदसौर जो मेन शहर है यह सिवना नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें यह पता है कि भाई चंबल नदी मंदसौर से जाती है, और अगर हमें यह नहीं पता है कि सिवना नदी के किनारे मंदसौर बसा हुआ है, तो आप चंबल नदी आंसर लगा दोगे। लेकिन याद रखना मंदसौर किस नदी के किनारे, आप बताओगे सिवना नदी के किनारे। चीजें समझ में आई। अब चूंकि सिवना नदी मैंने आपको बताया था चंबल नदी की सहायक नदी, नदी आगे जाएगी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है, फिर श्योपुर, मुरैना और एक और क्या, भिंड। यह भी, यह तीनों शहर किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे चंबल नदी के किनारे। तो चंबल नदी के किनारे क्या क्या पढ़ा हमने, महू याद रखना है, रतलाम याद रखना है, श्योपुर, मुरैना, भिंड याद रखना है। मंदसौर से क्वेश्चन आ गया तो आप बताओगे सिवना नदी के किनारे। अब देखिए चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे देखो एक नदी है जिसका नाम है छिप्रा नदी, छिप्रा नदी, छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। आपने सुना है ना प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर, भाई दक्षिणमुखी महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, उज्जैन में है। ठीक है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है इसे। ठीक, दक्षिणेश्वर है। यहां पर आपने सुना होगा इसी नदी के किनारे कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात, बहुत प्रसिद्ध है, इस वजह से क्वेश्चन भी आ जाता है उज्जैन किस नदी के किनारे, आप बताओगे किस नदी किनारे भाई, छिप्रा नदी के किनारे। छिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, छिप्रा नदी को क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा भी कहा जाता है। अब इस चीज को याद रखना, चूंकि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है तो क्वेश्चन की प्रकृति चेंज होकर यह भी पूछी जा सकती है कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे छिप्रा नदी के किनारे। चीजें समझ में। अब जब मैंने आपको छिप्रा नदी पढ़ाया था दोस्तों, तो छिप्रा नदी की एक सहायक नदी है खान नदी,
कौन सी नदी? खान नदी। और मैंने आपको ये बताया था कि खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि आप जो इंदौर में लोग रहते हैं या कभी आप इंदौर गए होंगे तो वहां पर नदी खान नदी आप देखोगे तो आप पाओगे कि वो नदी नहीं रह गई है, वह एक नाला टाइप से है, समझ में आ रहा है, उसका पानी एकदम काला काला सा है, ठीक। चले तो खान नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? इंदौर। छिपरा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? उज्जैन। देखें अब चंबल नदी की एक और सहायक नदी दोस्तों, इस नदी का नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी के किनारे भी कुछ शहर बसे हुए जैसे आष्टा, राजगढ़ और साजापुर, ठीक है। पार्वती नदी के किनारे कौन कौन से हो गए? आष्टा, राजगढ़ और साजापुर। यह किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे पार्वती नदी के किनारे है। इतनी चीज समझ में आई कि आप लोगों को? चले अगली एक नदी पढ़ते दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बेतवा नदी। कौन सी नदी भाई? बेतवा नदी। अब चूंकि आपको पता है कि बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है, अरे होता है कि नहीं भैया, ठीक। तो आगे देखे, अब चूंकि रायसेन के कुमरा गांव से होता है तो कई बार क्वेश्चन ये आ गया भाई रायसेन किस नदी के किनारे, क्या बताओगे आप लोग? बेतवा नदी के किनारे। जब यहां से उद्गम होने के पश्चात जब यह नदी आगे जाती है तो विदिशा में जाती है, क्वेश्चन आ जाएगा विदिशा किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। विदिशा में ही एक जगह है जिसे सांची कहते हैं, सांची का बौद्ध स्तूप बना हुआ है, यहां पर घूमिएगा, बहुत अच्छा प्लेस बना है ये, ठीक है। बौद्ध स्तूप है, ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक ने, ठीक। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख भी सांची में है जिसमें भागवत धर्म के बारे में बताया गया है, ठीक। तो विदिशा सांची दोनों बेतवा नदी के किनारे होंगे। जब यह नदी आगे जाएगी तो ओरछा भी पड़ेगा, ओरछा टीकमगढ़, ठीक। तो ओरछा भी किस नदी के किनारे? आप बताओगे बेतवा नदी के किनारे। और अंतिम याद रखना है गुना। गुना भी किस नदी के किनारे होगा? तो आप बताओगे बेतवा नदी के किनारे। तो क्या क्या देख लिया भाई? रायसेन, विदिशा, सांची, ओरछा, गुना, यह सब किस नदी के किनारे होंगे? बेतवा नदी के किनारे होंगे। चीज समझ में आ रही है? सिंध नदी के बारे में देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन आएगा, शिवपुरी किस नदी के किनारे? आप बताओगे सिंध नदी के किनारे, शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी के बारे में आपने सुना होगा कि शिवपुरी जो है यह मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगरी है, शिवपुरी, ठीक है। चले आगे पढ़े, अगली नदी की बात करते हैं भाई, टोंस नदी या तमसा नदी, ठीक। इसके किनारे सिर्फ एक ही शहर याद रखना है, सतना। सतना किस नदी के किनारे है? आप बताओगे टोंस या तमसा नदी के किनारे। समझ में आई चीजें? चले अब चूंकि एक बहुत छोटी नदी थी, मैंने नदी बनाई नहीं है, सीधे सीधे याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है, रीवा किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे बिछिया नदी के किनारे। रीवा किस नदी के किनारे? बिछुआ। अब क्वेश्चन यह इसलिए आता है, देखो हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, कहां पर? रीवा में। तो हम बीहड़ नदी आंसर लगा देते हैं, लेकिन बीहड़ नदी नहीं, आपको लगाना क्या है? बिछिया। रीवा जो है बिछिया नदी के किनारे है, समझ पाए आप लोग, ठीक है। चले सोन नदी के किनारे कोई विशेष है नहीं तो सोन नदी याद नहीं करनी है। वेन गंगा नदी इंपॉर्टेंट है, वेन गंगा नदी। आप चूंकि आपको पता है कि वेन गंगा दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होती है, तो क्वेश्चन आ गया बालाघाट। बालाघाट किस नदी के किनारे है? आप बताओगे वेन गंगा नदी के किनारे है। चीज समझ में आई क्या भाई? कुछ विशेष है जो मैंने यहां पर नदी में नहीं बताया। यहां देखें सोनकच्छ किस नदी के किनारे है? आप बताओगे काली सिंध नदी के किनारे है। तवा नदी के किनारे दो शहर है, एक पचमढ़ी होगा और एक तवानगर। तवानगर डैम बहुत फेमस है, ठीक है। पचमढ़ी तो आपको पता ही है, पचमढ़ी और तवानगर किस नदी के किनारे है? तो तवा नदी के किनारे। चीजें समझ में आई? तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की चर्चा की, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों का अध्ययन करने वाले हैं। चीज समझ में आ रही है? चले तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।